नमस्कार, मैं अप्रिया। आज 18 सितंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के लिए जल्द ही चलेगी 24 नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए 24 ट्रेनों के परिचालन का ऐलान किया है, जिसमें श्रमजीवी, संपूर्ण क्रांति और संघमित्रा जैसी बड़ी ट्रेनों के नाम शामिल है, जो क्लोन ट्रेन के रूप में चलाए जाएंगे। रेल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यह घोषणा की है। त्योहारों में आने वाले लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे के अनुसार 40 ट्रेनों को 21 सितंबर से चलाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक विभिन्न रेलवे जोन के बनाए गए 7 जोड़ी क्लोन ट्रेन सूबे के कई स्टेशन से आएंगे और जाएंगे। राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली स्पेशल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के क्लोन बनाया गया है। बिहार में किसान भी अब ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे खरीदारी। बिहार में अब किसानों को भी ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के डेबिट कार्ड और पैन जैसी एप्लीकेशन से खरीदारी का भुगतान कर सकते हैं। POS मशीन से खाद की बिक्री तो पहले से ही की जा रही थी, अब भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। हालांकि किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए पुरानी व्यवस्था को लागू भी किया जाएगा। राज्य में खाद की हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने इस पहल की शुरुआत की है। सरकार ने नई व्यवस्था करने का निर्देश सभी डीलरों को दे दिया है। बिहार में सरकारी आवास में रहने वालों के लिए सरकार ने बदले नियम। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों को सरकार की तरफ से मुहैया करवाए गए सरकारी आवास को लेकर नए नियम को लागू किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर सख्ती से पेश आया जाएगा। साझा की गई जानकारी के अनुसार विभाग ने तृतीय श्रेणी के आवासीय केंद्रीय कोटे से मिलने वाले सरकारी मकानों के आवंटन के नियम तय कर दिए हैं। इसके अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मी इस सेवा से पदत्याग करता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसे 1 महीने तक सरकारी मकान में रहने का अधिकार होगा। बिहार वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे एक और बड़ी सौगात। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को नए सौगात दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज फिर से 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही सुपौल के सरायगढ़ से हसनपुर के बीच ट्रेन भी रवाना करने वाले हैं। इससे कोसी क्षेत्र से मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा। इस रेल के शुरू होते ही 298 किलोमीटर की दूरी घटकर महज 22 किलोमीटर रह जाएगी। बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,64,000 के पार। बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में बिहार में 1,592 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य में COVID-19 प्रभावितों की संख्या 1,64,224 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 95, अरवल में 18, औरंगाबाद में 27, बांका में 14, बेगूसराय में 18, भागलपुर में 75, भोजपुर में 24, बक्सर में 11, दरभंगा में 13, पूर्वी चंपारण में 48, गया में 34, गोपालगंज में 42, जमुई में 38, जहानाबाद में 6, कैमूर में 9, कटिहार में 41, खगड़िया में 10, किशनगंज में 26, लखीसराय में 43, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 54, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 67, नालंदा में 45, नवादा में 11, पटना में 290, पूर्णिया में 96, रोहतास में 40, सहरसा में 88, समस्तीपुर में 22, सारण में 17, शेखपुरा में 21, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 35, सुपौल में 72, वैशाली में 26, पश्चिम चंपारण में 46। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार COVID-19 से अब तक 1,49,722 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 855 लोगों की जान जा चुकी है। विधायक जी को पब्लिक ने एक बार फिर खदेड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं अब विधायक भी वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। हालांकि पहले जब विधायक जी कहीं पहुंचते थे तो खूब खातिरदारी होती थी, मगर अब नजारा कुछ उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है जिसका जवाब नेताजी के पास नहीं है, लिहाजा भागने में ही भलाई समझ रहे हैं। इस बार खासकर सत्ताधारी विधायकों को पब्लिक खूब खरी खोटी सुना रही है। इसी क्रम में हाजीपुर के दयालपुर में भाजपा विधायक अवधेश सिंह स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया था और जमकर विरोध किया। स्थानीय लोग विधायक अवधेश सिंह वापस जाओ के नारे लगाने लगे। लोगों की नाराजगी को देखते हुए विधायक जी ने वहां से भागना ही सही समझा। गया के लोगों ने 30 साल से अधूरे पड़े पुल का निर्माण कार्य किया पूरा। गया के लोगों ने अपने बलबूते 30 साल से अधूरे पड़े पुल के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है। यह वाकया गया के बुधौल गांव का है, जहां लोगों ने 30 साल से निर्माण कार्य पूरा होने की आस लगाए बैठे पुल बनने का काम खुद ही पूरा कर लिया है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक इस पुल के निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों, नेताओं और सरकार से मांग की जा चुकी है, मगर यह पूरा नहीं किया गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही आपसी सहयोग से इसे बनाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आधुनिक सुविधाओं से लैस बस टर्मिनल और कृषि भवन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में निर्मित आधुनिक सुविधाओं वाले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और कृषि भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए आज शाम को ISBT का उद्घाटन समारोह का आयोजन करवाया जाएगा। उद्घाटन के साथ ही ISBT के फेज 1 में बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी सड़क परिवहन सेवा आसानी से हो जाएगी। आपको बता दें साल 2017-18 में मौजा पहाड़ी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा 340 करोड़ 22 लाख की लागत बताई गई है। ISBT तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और तीनों भागों में बांटकर बनाया गया है। वहीं मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे निरुपमा पांडे की। भारतीय टीम की विंग कमांडर निरुपमा पांडे ने भी अपने साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। निरुपमा पांडे बिहार की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर साल 2011 में पहुंची थी। निरुपमा उन IAF टीम की महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने पहली बार विंग कमांडर की जिम्मेदारी संभाली थी। अलग अलग स्तर पर बिहार का नाम रोशन करने वाले निरुपमा का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था। पेशे से वो एक IAF ऑफिसर है। वहीं उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से पूरी की थी। इसके साथ ही ग्रेजुएशन कॉमर्स और MBA इन फाइनेंस इन मार्केटिंग फ्रॉम नेस वादिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे से की थी। अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी। वहीं उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। साल 2003 में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। बिहार में 4 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार में बड़ा तबादला देखने को मिला है जहां पर गुरुवार को 3 जिलों के SP समेत 4 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार 2008 बैच के IPS और बेतिया SP निताशा गुड़िया का तबादला किया गया है। वहीं बक्सर के SP IPS उपेंद्र नाथ वर्मा को बेतिया का SP बनाया गया है। वहीं 2012 बैच के IPS ऑफिसर नीरज कुमार सिंह को बक्सर का नया SP बनाया गया है। दूसरी तरफ IPS राजेश कुमार को मुजफ्फरपुर का नया सिटी SP बना दिया गया है। कंकई नदी की तेज धारा में बहा 1.10 करोड़ की लागत से बना पुल। बिहार में पुल के बहने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी पुल के आगे का अप्रोच पथ पानी की वजह से बह जाता है तो कभी जिस पुल का निर्माण भी नहीं हुआ वो भी पानी के जद में आ रहा है। ऐसा ही वाक्य हाल ही में किशनगंज जिले में देखा गया है जहां पर दिघल बैंक के पत्थर घटी में बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कुढ़ली के ग्वाल टोली में निर्माणाधीन पुल कनकई नदी की तेज धारा में बह गया। पुल धंसने की वजह से ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी यातायात की मुसीबत दूर होने के सपने पर पानी फिर गया है। राजद विधायक के सुशांत सिंह राजपूत के राजपूत नहीं होने के बयान पर बिहार में मचा बवाल। बीते दिन राजद विधायक अरुण कुमार यादव ने सुशांत सिंह राजपूत पर विवादास्पद बयान देते हुए उनके राजपूत होने की बात से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम तो पहले कहते हैं कि वो राजपूत था ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, राजपूत महाराणा प्रताप के संतान गले में डोरी बांध कर जान नहीं ले सकता। जिसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि राजद विधायक का बयान बिल्कुल ही अनर्गल है और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। राजद के नेता गण आदतन इस तरह की घटिया बयानबाजी के लिए ही बने हैं। लोजपा ने केनाल बैंड के नाम से मशहूर लोंगी भुइया को किया सम्मानित। केनाल बैंड के नाम से मशहूर गया जिले के लडुआ पंचायत स्थित कोठी लवा गांव के रहने वाले लोंगी भुइया को लोजपा ने बीते दिन अपनी तरफ से सम्मानित किया है क्योंकि उन्होंने 30 साल के मेहनत के बाद पहाड़ की तलहटी से लगभग 5 किलोमीटर दूरी तक नहर खोदकर अपने गांव तक पानी लाने का काम किया है। लोंगी भुइया किस काम की चर्चा देश के साथ साथ विदेश में भी हो रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनके इस काम से प्रभावित होकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम के तहत उनको 51,000 की राशि प्रोत्साहन के रूप में देकर सम्मानित किया है। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर विराजमान हुए नरेंद्र सिन्हा। नरेंद्र कुमार सिन्हा को बिहार राज्य सूचना आयोग का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। बीते दिन राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलवाई है। नरेंद्र सिन्हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सूचना आयुक्त ओम प्रकाश और प्रमोद कुमार ठाकुर, मुख्य सचिव दीपक कुमार भी मौजूद थे। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NH 131A का करेंगे शिलान्यास। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल के विकास में वरदान साबित होने वाले NH 131A का शिलान्यास करने वाले हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही झारखंड से स्टोन चिप्स समेत अन्य भवन निर्माण सामग्री भी आसानी से आ पाएंगे। इससे सीमांचल में भवन निर्माण सामग्रियों से दाम में भी कमी आ सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 131A नरेंद्रपुर से शुरू होकर पूर्णिया में पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने वाली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर समाप्त होती है। यह परियोजना पूर्णिया कटिहार को सीधे झारखंड और पश्चिम बंगाल के मालदा से जोड़ेगा। महानंदा नदी पर कटिहार के अहमदाबाद के पास पश्चिम बंगाल में एक पुल का निर्माण करवाया गया है।
बिहार में फिर से शुरू होगा मास्क चेकिंग मुहिम। एक बार फिर से पटना में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर सख्ती से पेश आया जाएगा। पटना के डीएम कुमार रवि ने फिर से मास्क चेकिंग मुहिम की शुरुआत करने का ऐलान किया है। बिना मास्क के पकड़े जाने वाले लोगों को फाइन भरना होगा। पटना के डीएम कुमार रवि ने विशेष टीम का गठन चौक चौराहों, दुकान, वाहनों, वेंडर जोन, मार्केट और अन्य भीड़भाड़ वाले जगह पर मास्क का चेकिंग करने और पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का फैसला सुना दिया है। पटना डीएम ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम के संयुक्त टीम गठित कर सफल एवं प्रभावी कदम सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। रघुवंश प्रसाद के सपनों को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने शुरू की तैयारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से जीवन के अंतिम समय में पत्र लिखकर जितनी भी इच्छा जताई गई थी, उन सब पर जल संसाधन विभाग काम शुरू कर चुका है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मांग के अनुरूप बेनीपुरी के गाँव में बेनीपुरी के स्मारक और घर को बचाने के लिए रिंग बांध बनाने की जानकारी उनके पुत्र को पत्र लिखकर दे दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल संसाधन विभाग बेनीपुरी के स्मारक और घर को बचाने में लगा है। इतना ही नहीं, वैशाली और मुजफ्फरपुर में जिन योजनाओं के बारे में रघुवंश प्रसाद सिंह ने पत्र में जिक्र किया था, उसका भी पत्र में जिक्र किया गया है, जिसको पूरा करने का काम शुरू किया जा चुका है। लगातार चौथे दिन भी राजद दफ्तर पर लगा रहा ताला। रघुवंश प्रसाद सिंह के दुनिया को अलविदा कहने के बाद लगातार राजद दफ्तर पर ताला लगा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार लगातार चौथे दिन भी राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर पर ताला लटका नजर आया। समर्थक, कार्यकर्ता और नेता यह उम्मीद लगाए थे कि चुनावी साल में 3 दिन के शोक के बाद राजद कार्यालय को खोल दिया जाएगा, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में अभी तक पार्टी का दफ्तर 7 दिनों के बाद ही खोला जाएगा। साथ ही पार्टी दफ्तर का झंडा भी 7 दिन तक झुका रहेगा। चुनाव को लेकर नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हर रोज दफ्तर पहुंचते देखे गए थे। पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक बार फिर से सरकार को लिया आड़े हाथ। पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बिहार में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोई किसी का अपना नहीं है, नकली नेता सिर्फ अपने आप को ही है और इसलिए आज वोट मांगने सिर्फ आ रहे हैं। सिर्फ वोट मांगते वो देखे जा सकते हैं और उनकी जिंदगी को महज एक चुनाव वस्तु मानते हैं। लोगों के पास विकल्प नहीं था, मगर आज लोगों के पास विकल्प है। इस चुनाव में बिहार साबित कर देगा कि उसे आगे बढ़ना आता है। चलिए हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। #सबकाशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भी मनाया गया, जो कि दिन भर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी रहा। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, जहां वो बिहार सरकार के खिलाफ फिर से बयानबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में बिहार के साथ और युवाओं का वर्तमान और भविष्य सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाली 15 साल की नीतीश सरकार बेरोजगारी, गरीबी और पलायन पर विमर्श क्यों नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री जी अब जात पात और धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह नहीं कर सकती। नीतीश कुमार से दूरी बढ़ाने के पीछे की वजह जीतनराम मांझी ने अब जाकर बताए। जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटने से लेकर के और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी दूरी के पीछे का कारण मांझी ने अब बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी पद की चिंता नहीं की, इसलिए विधानसभा में मेरी उपस्थिति रही, इसकी चिंता जरूर रही है। इसी कारण से मैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के नेतृत्व करता रहा हूं। 2005 के नीतीश मंत्रिमंडल में जब हम पर दागी होने की बात कही गई, तो मैंने तुरंत मुख्यमंत्री के इशारा मिलते ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह मेरा पद की चाह नहीं रखने का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं नीतीश कुमार से दूरी के पीछे का कारण यह था कि हमें लगा कि नीतीश जी हमारे काम से खुश नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साल 2021 के शुरुआत में वैक्सीन आने का किया दावा। कोविड-19 के हर दिन बढ़ते मामलों के बीच सभी लोग वैक्सीन के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीते दिन अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश में साल 2021 के शुरुआत में कोविड-19 वैक्सीन आने की पूरी संभावना बनती दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की दर फिलहाल दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है। साझा की गई जानकारी के अनुसार देश में 1.64% जान गंवाने वालों की संख्या बताई गई है। के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 78% से 79% है। वहीं भारत को कोविड-19 से स्वस्थ होने की उच्च दर वाले गिने चुने देश में भी शामिल हो चुका है। 19 सितंबर से आईपीएल मैच के कमेंट्री पैनल के नाम की हुई घोषणा। शनिवार से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। वहीं आईपीएल के आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने कमेंट्री पैनल की घोषणा की है, जिसमें दुनिया भर के कुछ बेहतरीन और प्रतिष्ठित क्रिकेट विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों से सजी कमेंट्री पैनल के मैच का आंखों देखा हाल बताने के अलावा दर्शकों को मैच का विश्लेषण भी देंगे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जेपी डुमनी कमेंट्री, दिग्गज हर्ष भोगले, मार्क निकोलस, साइमन धूल, इयान बिशप और सुनील गवास्कर जैसे विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही माइकल स्लेटर, डेनी मॉरिसन, दीप दासगुप्ता, रोहन गवास्कर, पम्मी
एम बंगवा, डेरेन गंगा, एल शिवराम कृष्णन, मुरली कार्तिक, केविन पीटरसन और कुमार संगकारा पैनल में शामिल हुए। वहीं महिला कमेंटेटर के तौर पर अंजुम चोपड़ा और लीसा स्थालेकर भी अपना योगदान देने वाली है। मोदी सरकार को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को करारा झटका लगा है। कृषि संबंधित बिल पर एनडीए में फूट नजर आ रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि संबंधी विधेयकों से विरोध में सरकार से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में अकाली दल की एकमात्र मंत्री थी जिन्होंने इस पद को भी त्याग दिया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है। गूगल मीट अपने यूजर्स के लिए लेकर आया नया फीचर। गूगल ने अपने यूजर के लिए कुछ नए फीचर्स को रोल किया है। फीचर्स में बैकग्राउंड को ब्लर करना और एक ही ग्रुप में 49 लोगों को जोड़ने का फीचर शामिल किया गया है। इसमें फीचर को ऑटो और टाइल वाले मोड के जरिए आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। 9 to 5 गूगल के अनुसार यूजर्स का मैनुअल रूप से लार्जर व्यू को सक्षम करना होगा, क्योंकि ऑटो के लिए डिफॉल्ट व्यू 9 लोगों और टाइल में 16 लोगों तक सीमित है। गूगल प्ले सॉफ्टवेयर पर पोस्ट में कहा गया है कि इस लॉन्च के साथ ही आप अपने द्वारा देखी जाने वाली संख्या के समायोजित करने के लिए स्लाइडर का उपयोग करने में सक्षम होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गोविंद कुमार, राजा भैया, नितेश कुमार, नूतन सिंह, समथिंग स्पेशल, लालू कुमार, पप्पू पासवान, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मीपति, रीवा कुमारी, प्रहलाद सिंह, गुंजन पटेल, निराला मोहन, रामदास सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, लाल सिंह राजपूत। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।